हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोहन हलवा। वैसे तो नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है है और और बहुत ही ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आज हम जिस इंग्रेडिएंट्स और जिस रेसिपी से बनाएंगे उसको बनाने में बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमने ये फेनी लिया है, इसको लच्छे भी बोलते हैं। ये इस तरह से होते हैं, लेकिन ये हमने इसको तोड़ लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम थोड़ा सा घी डालना है हमें 1 चम्मच। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना घी होता है कि ये भी रिलीज होगा। और इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है, जो है इसको भी तोड़ लें, लो फ्लेम पे भून लेंगे इसको। तो बस ये ऑलरेडी ही भुने हुए होते हैं, बस हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसके लिए हमें चीनी लेना है। चीनी हमें जस्ट इसका 1.5 गुना लेना है। जैसे अगर आपके पास ये 100 ग्राम है तो हमें 150 ग्राम उसके लिए चीनी चाहिए। तो चीनी की अब हमें चाशनी बनानी है, और चाशनी बनाने के लिए हमने चीनी को एक पैन में डाल दिया है, और जितनी चीनी है उसका आधा हम पानी डालेंगे। जैसे 1 कटोरी चीनी थी ये हमारी, तो हम आधी कटोरी इसमें हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद हमें इसकी 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। अब पैन में हम थोड़ा सा और घी डालेंगे, इसमें हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई करने हैं। हम पहले से ये मखाने थे, हमने इसको एक बार मिक्सी में चला लिया, हल्का सा ये दरदरा सा हो गया है, इसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और इसी में भी हमारे पास कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये हमारे पास रेडीमेड है, आप चाहें तो घर का भी ले सकते हैं। ये भी इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे और दोनों को एक साथ हमें इसको भून लेना है। ये इसी में हमने अपने लच्छे डाल दिए हैं। अब हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी में हमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है, येलो फूड कलर। चाशनी 1 तार की बन के तैयार हो गई है, आप देख रहे होंगे इस तरह से तार बन रहा है। ये हमारे जो ये लच्छे थे ये हम डाल देते हैं। अब इसमें हमने अपने लच्छे ऐड कर दिए। इसमें हमें थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून के अराउंड दूध डालना है, और लो फ्लेम पे हमें इसको छोड़ देना है। ये 5 मिनट हो गए हैं, अभी हमें इसमें वापस से थोड़ा सा और दूध डालना है। 2 टेबल स्पून हमने दूध और डाला, और 5 मिनट हम इसको अभी और पकाएंगे। और ये अब हमारा तकरीबन थोड़ा थोड़ा हमने 3 बार दूध इसमें डाला है, और करते हुए ये टोटल 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाया है, और ये बिल्कुल हमें जैसा चाहिए था वैसा तैयार हो गया है। अब हम एक कोई भी प्लेट ले लेंगे, प्लेट या ट्रे, और उसमें हमने घी लगा के ग्रीस कर लिया है इसको, और इसमें अब हम ये डाल देंगे अपना जो हमने बनाया है। इस तरह से इसको फैला लें। हम बादाम से गार्निश कर देते हैं, और उसके बाद हमें इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये 1 घंटे हो गए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। इसको अब हम फ्रिज से निकाल कर और अब हमें इसे कट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में। और आप देख रहे होंगे ये हमने कट कर लिया, और जो है इसको मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं आपको निकाल कर कि कितने अच्छे ये बने हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल ये सोन पापड़ी में जिस तरह से रेशे होते हैं उसी तरह से इसके भी निकल के आएंगे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लच्छे फेनी मिल जाते हैं तो यकीन कीजिएगा आप जिसको भी खिलाएंगे उसको बहुत ही पसंद आएगा, और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने फेनी से बनाया है। और अगर अच्छे लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब हम फिर नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।